गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक एक्सपर्ट्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ग्रे मार्केट के बारे में, यानी कि व्हाट इज़ ग्रे मार्केट, और जीएमपी के बारे में दोस्तों, यानी कि व्हाट इज़ ग्रे मार्केट प्रीमियम। दोस्तों, ये दोनों के आंसर अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आज का वीडियो आप ही के लिए है। बट उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, ये काफ़ी शॉर्ट वीडियो होगा, बट इसमें आपका दोस्तों ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, शेयर मार्केट का बेसिक है व्हाट इज़ ग्रे मार्केट और व्हाट इज़ जीएमपी, यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम। दोस्तों, अगर हम सबसे पहले आ जाते हैं व्हाट इज़ ग्रे मार्केट, तो आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे, ग्रे मार्केट इज़ एन अनऑफिशियल मार्केट फॉर आईपीओस और इट इज़ एन ओवर द काउंटर मार्केट वेयर आईपीओ एप्लीकेंट एंड आईपीओ शेयर्स आर ट्रेडेड बिफोर दे गेट लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों, एक हिसाब से देखा जाए तो एक ऑफिशियल मार्केट होता है, एक अनऑफिशियल मार्केट होता है शेयर मार्केट में। और ऑफिशियल मार्केट अगर हम देखें तो लीगल वाइज मार्केट जो कि एनएससी और बीएससी है, उसे ऑफिशियल मार्केट बोला जाता है दोस्तों। और वहीं पे आईपीओ सारे लिस्ट होते हैं, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो ग्रे मार्केट अनऑफिशियल मार्केट है आईपीओस का, जहाँ पे शेयर्स ट्रेड होते हैं दोस्तों आईपीओ के आने से पहले। और यहीं पे अगर आप ये पढ़ेंगे, दीज आर नॉट एक्चुअल शेयर्स ऑफ आईपीओ बट समथिंग लाइक अनऑफिशियल फ्यूचर फॉरवर्ड्स ऑफ द शेयर। देर इज़ नो एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द शेयर्स बिफोर द लिस्टिंग। ऑल ट्रांजेक्शन्स आर डन इन कैश ऑन अ पर्सनल बेसिस वेयर सीबी स्टॉक एक्सचेंज डू नॉट रेगुलेट और सपोर्ट इट। दोस्तों, अगर हम देखें तो अनऑफिशियल मार्केट यानी कि ग्रे मार्केट को सीबी बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करता है, इसे रेगुलेट भी नहीं करता है। और एक हिसाब से दोस्तों अगर हम देखें तो अगर आप ग्रे मार्केट में कोई भी शेयर्स बाय करते हैं तो वो आपको शेयर्स डायरेक्ट मिल नहीं जाते हैं, आपके डीमैट अकाउंट में नहीं आते हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो जब तक शेयर्स की लिस्टिंग नहीं होती है तब तक आपको डीमैट अकाउंट में शेयर्स मिल ही नहीं सकते हैं दोस्तों। बट यहाँ पे एक ऐसा होता है कि आपसे डील की जाती है जो कि अनऑफिशियली होती है और थ्रू माउथ बेसिस होता है दोस्तों। यहाँ पे ट्रस्ट इश्यू ज़्यादा रहता है, अगर आप सामने वाले बंदे पे ट्रस्ट करते हैं तो आप उससे शेयर्स खरीदते हैं। बट ये ऑफिशियली नहीं होता है और यहाँ पे काफ़ी सारे फ्रॉड्स भी हो सकते हैं दोस्तों। बट फिलहाल अगर हम देखें तो ग्रे मार्केट एक अनऑफिशियल मार्केट है जिसमें शेयर्स लिस्ट नहीं होते हैं, ना कि यहाँ पे शेयर्स की ट्रेडिंग भी होती है दोस्तों। बट एक हिसाब से अगर हम देखें तो ग्रे मार्केट में जो आईपीओस आने वाले रहते हैं उसके शेयर्स की ट्रेडिंग होती है थ्रू माउथ बेसिस, पर्सनल बेसिस। यहाँ पे कैश इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है ट्रेडर्स के द्वारा। और एक हिसाब से दोस्तों अगर हम देखें तो इससे काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को आइडिया भी लग जाता है कि आगे शेयर कैसा परफॉर्म करने वाला है। आपने काफ़ी बार सुना होगा कि व्हाट इज़ ग्रे मार्केट प्रीमियम, ग्रे मार्केट प्रीमियम में ये शेयर इतना चल रहा है, या ग्रे मार्केट प्रीमियम में इस शेयर की इतनी वैल्यू है। तो अगर आप देखें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम इज़ एन एडिशनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स ओवर द इशू प्राइस एट विच द शेयर्स आर ट्रेडेड इन द ग्रे मार्केट। दोस्तों, अगर हम देखें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम उस शेयर्स के प्राइस को बोलते हैं जो कि शेयर के एक्चुअल प्राइस से ज़्यादा प्राइस पे बिक रहा हो। यानी कि फ़िलहाल तो पहली बात तो ये ऑफिशियल मार्केट में नहीं बिक रहा है, अनऑफिशियली इसे ट्रेड किया जा रहा है। साथ ही साथ इसके एक्चुअल वैल्यू से, यानी कि जो आईपीओ की एक्चुअल वैल्यू थी उसके ऊपर जब यहाँ पे ट्रेड किया जाता है तो यहाँ पे मार्केट प्रीमियम में होता है, ग्रे मार्केट में प्रीमियम आता है, यानी जीएमपी कहलाता है दोस्तों। और अगर हम देखें तो एक एग्जांपल के द्वारा हम इसे समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी एक्स वाई जेड कंपनी का आईपीओ दोस्तों आने वाला है और उसकी एक शेयर की प्राइस 50 रुपीज़ के आसपास है, और अगर वो ग्रे मार्केट में 60 या 65 रुपीज़ के आसपास चल रहा है तो वहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रे मार्केट में प्रीमियम पे 15 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। यानी कि एक हिसाब से देखें दोस्तों तो ये शेयर मार्केट के हिसाब से ही है, जो कि इशू प्राइस से जब ज़्यादा पे होता है तो उसे प्रीमियम में हम कहते हैं, शेयर मार्केट में प्रीमियम कहते हैं। और वैसे ही अगर हम ग्रे मार्केट में देखें तो उसे जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम कहते हैं। दोस्तों, हमें आशा है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपका शेयर मार्केट से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर हो गया होगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।